शाम को कुछ करीबन 5 साढ़े 5 बजे होता ऐसा होता है। राखी मुझे कहती है, काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा, राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है। आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके कमा के खाने वाली लड़की हूँ। मुझे क्या पता है कैसे इनोग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जीरो जीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती, नहीं तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा, राखी सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो आप अपना काम खुद करें, आपने खुद अपनी आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहां 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा, राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे, उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने कौन सा होटल था, द लीला, वहां जाके हमने चेक इन कर ली थी मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन, राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। राक्षी, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको एक माँ का दर्जा दिया था राखी ने, और कहा था कि मेरी माँ के बाद मैं इसे ही माँ समझती हूँ, और अगर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी होगा तो उसका फैसला लेने का हक भी सिर्फ राक्षी को है और वही मुझे सजेशन देगी। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आदिल ने एक इल्ज़ाम लगाया है, वो है राखी जो है उनकी माँ के मौत के बाद बैठकर बिरयानी खा रही थी, उसका इल्ज़ाम, और वो उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ बैठकर खा रही थी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जिस दिन राखी की मम्मी की डेथ हुई थी हम लोग साथ में ही थे, फिर हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में जाके जो वो रखना थे, क्या पर्टिकुलर को क्या वर्ड यूज करते हैं, जो बॉडी रखी जाती है फ्रिज में, यस, वहाँ गए थे हम। फिर हमने वहाँ वो पूरा प्रोसीजर किया, वहाँ से हम सीधा घर आते हैं। आदिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं। फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी, फिर ये मयूर है, मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज, तो आई सेड वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर, नॉर्मल और मर, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर पे कुछ बुरी घटना घटती है ना, तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट, ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको नॉन वेज खाना है। तो हाँ, हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिल्ली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था, और उस सब ने खाया था। तो मतलब आप, मतलब राखी ने खाया था, राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया जी। क्योंकि राखी कह रही कि ये उस दिन का फुटेज नहीं है, ये पहले का फुटेज है, सेम साड़ी है लेकिन पहले का फुटेज है। वो साड़ी भी मेरी थी, वो जो उसने साड़ी पहनी है वो साड़ी मेरी थी। हमें नहीं पता था कि उस दिन उनकी मम्मी की डेथ होने वाली है। वो कुछ ग्लैमिंग ऐप होता है ना, वो जो क्या करते हैं लोग, ग्लैमिंग, हाँ ग्लैमिंग कुछ ऐप होती है, वो उसका शूट यहाँ पे खड़े होके चल रहा था, ठीक इस टीवी के पास चल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है उनकी मम्मी की डेथ हो गई, हमारे सामने ही बोली गई थी वो बात, ऐसे नहीं था कि वो डेथ पहले हुई थी, अभी वो हॉस्पिटल वालों को पता क्या है, बट लेकिन डिक्लेयर हमारे सामने की गई है कि भाई अभी अभी डेथ हो गई है। और वो साड़ी, वो सब कुछ फुटेज उसी दिन का था, वापस उसी साड़ी में घर पे आए हुए हैं, वो साड़ी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दी है ना दोबारा पहनी है। और ये बात भी सच थी कि मीडिया